देख लो यहाँ का नजर पे बेटा टाइम से देख रहे हो अपने बाप चले और दूसरे सारे बैठ में यार बहुत टाइम लगा उधर ही। सो गाइस स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का। तो आज गाइस कुछ ऐसा होने वाला है कि बहुत दिनों के बाद वीडियो एक डालने वाला हूँ अमेजोन डिलीवरी के बारे में। तो मैं काफ़ी दिनों से जा रहा था, कम से कम कितने दिन 20 से 25 दिन काम किए होंगे, और तब से एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ वैसा। तो उस दिन से मैं बीच में मेरे को बुलाया था काम के लिए, तो तब गया था मैं, और फिलहाल अभी घर पे हूँ। तो आज फिर से जा रहा हूँ तो छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ उसके मुताबिक ही अमेजोन डिलीवरी के बारे में। तो आज आपको दिखाऊँगा और कहाँ कहाँ जाऊँगा वो दिखाऊँगा। तो चलो चलते हैं जल्दी से। और भाई हाँ एक बात बोलना तो भूल गया मैं कि पार्सल रोज़ लेट क्यों आते हैं। तो पार्सल क्योंकि हमें ऑफिस पर से लाना पड़ता है, उमरगांव जाके गुजरात में महाराष्ट्र में ही डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे बंदे जो काम करते हैं वो 3 जनी है, तो रोज़ सुबह में लाना पड़ता है ऑफिस पर जाके पार्सल। तो टाइम हो जाता है उसके मुताबिक ही हम पार्सल लाने के बाद ही दे पाते हैं, तो टाइम हो जाता है। और अभी इंतज़ार कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि जो बंदे लाने गए हैं 4-व्हीलर इको गाड़ी लेके पार्सल लाते हैं अभी, तो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, अभी ला रहे हैं। तो टाइम लगता है, बाद में यहाँ से अपने अपने जो एरिए का है पार्सल वो देख के लेके जाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है भाई। तो अभी यहाँ से क्या प्रोसेसिंग होगी वो मैं आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा। और मेरा रूट जो अभी मैं कुछ दिन जा रहा हूँ ना पार्सल मारने, तो कौन सा है वो मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा, तो आएंगे तभी देखेंगे। तो चलो तो भाई जब तक आ जाते हैं ना पार्सल लेके भाई लोग, तब तक मैं देखता हूँ कि आईडी चालू हो गई क्या। आईडी भी दूसरे की यूज़ कर रहा हूँ भाई, मेरे तो बन नहीं पा रही क्योंकि मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस ज़रूरी है आईडी बनाने के लिए, और आईडी भी बन जाती है तो 2 से 3 हफ्ते में ही आईडी मिलती है, तुरंत नहीं हो जाती। तो हाँ यार आईडी तो चालू हो गई है, जिस बंदे की आईडी है ना उसने फ़ोटो सेल्फी लेना पड़ता है रोज़, तो सेल्फी ले ली है तो आईडी तभी ऑन हो जाती है। तो 38 पार्सल दिखा रहा है भाई, 38 पार्सल है आज तो आईडी पे दिखा रहा है, 38 पार्सल क्लियर करना है आज, कम ही नहीं तो इतने दिन में 50 रहते हैं, 45 रहते हैं, मतलब 30 के ऊपर ही रहते हैं, तो मतलब 40 के ऊपर ऐसे तो रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा कम है 48 से मतलब 38 में से तो पूरे कम्प्लीटली नहीं हो डिलीवर हो पाते हैं, लेकिन कुछ तो उसमें से कैंसिल भी हो तो पाते हैं, कुछ डिलीवर हो पाएंगे, कुछ पिकअप भी रहते हैं उसमें, ऐसा कुछ रहते हैं इतना रहता। आईडी चालू हो गया, अच्छा है अभी आएगा बंदा। लो जी भाई आ गया, बात कर रहा था इतना इंतज़ार कर रहा था, ले आ गए बंदे, ले इतना घना पार्सल है, कितना लाया रे आज? ज़्यादा नहीं बोल रहा है, ज़्यादा नहीं है, चलो बाद में ही देखेंगे, निकालते फटाफट चलते हैं, टाइम बहुत कर दिया इन्होंने। चलो A few moments later. तो भाई तो हम पहुंच गए हैं, जा रहा हूँ भाई, एक तो ट्राइपॉड लेके घूम रहा हूँ और हेलमेट पे लगाने का वो मेरे पास है नहीं, इसके लिए अभी डायरेक्टली चलते जो सूट हो पाएगा वही आपको मैं दिखा पाऊंगा, क्योंकि गाड़ी तो आई ना है 4-व्हीलर, अभी 2-व्हीलर पे ही काम चलाना पड़ेगा। अभी चलो भाई। फाइनली गाइस मेरा पहला ऑर्डर डिलीवर हो चुका है गाइस, तो आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही मुझे पता नहीं, लेकिन बोल रहा हूँ मैं, तो मेरा पहला ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। अभी जा रहा हूँ मैं वेदांता में, तो मेरा पहला ऑर्डर जो था एक रबर बोर्ड के यहाँ चेक पोस्ट के यहाँ था, तो अभी वेदांता डायरेक्टली चलते हैं वहाँ पे, थोड़ा शूट कर पाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा, अभी वहीं पे चलते हैं और देखते हैं क्या कितना मेरे को 48 तो डिलीवरी करना है। तो अभी चलो भाई, देखो पहुँच गया हूँ, अभी यहाँ से बाई रोड चलना है। बात करना मतलब कैमरा पकड़ना बहुत मुश्किल।
ही ले पाए। हेलमेट पे एक्सेसरीज लेना तो बहुत अच्छा था। अब यहाँ से मुड़ने वाला हूँ मैं और लेफ्ट लेके मैं जाऊँगा वेदांता। चलो यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, बाद में भी। एंट्री करा देगा ना? एंट्री भाई अभी मैं पहुँचा वेदांता में और यहाँ पे एंट्री के बगैर जाने नहीं देंगे अंदर। एंट्री करके हुए जाएंगे, एंट्री करवा लेते हैं। देख लो यहाँ का नजारा कैसा है। भाई ये जो है वेदांता है बहुत बड़ा, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा दिखाऊंगा भी। अभी चलते डिलीवर करने के बाद भाई यहाँ पे अभी काम चल रहा है देखो। और यहाँ पहले तो देना है मेरे को दूसरी वाली बिल्डिंग, बाद में लास्ट वाली बिल्डिंग, बाद में रिटर्न जाऊँगा मैं। फिर एक काम चल रहा है वहाँ पे चल के ही जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। और पीछे ज़्यादा पास में तो पीछे के ज़्यादा दूँगा क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकता हूँ, जाता हूँ। भाई देख रहे हो इतने पार्सल है और दूसरे सारे बैग में है, तो वहाँ तक चल के जाना है मेरे को भी। तो ये सब दूँगा और वहाँ तक छोड़ूँगा तो वहाँ जाना पे, तो ये लेके चलते हैं वहाँ तक। भाई हेलमेट निकालूंगा इन्हें अब तो और फटाफट देके जाऊंगा। चलो जल्दी से ये ख़त्म कर दे, दिखाता हूँ आपको मैं क्या है। चलो जी इनको जल्दी से फ़ोन कर लेता हूँ मैं, फटाफट फ़ोन कर लेता हूँ इनको मैं जल्दी से। एप्लीकेशन है भाई, कौन सा पहले फ़ोन करूँ इसको मैं? हाँ यार चलो फ़ोन करते हैं जल्दी से। भाई हुआ क्या? यहाँ पे रोड बना रहे, मतलब क्या बना रहे क्या पता। देखो कंक्रीट कर रहे इसको, रोड मतलब नॉर्मल ही था तो बना रहे। इसके लिए मैं गाड़ी उधर छोड़ा और चल के जा रहा हूँ। मेरे उधर लास्ट वाले पे जाना है, चलो लास्ट वाले पे जाना है, उधर ही जा रहा हूँ अभी। ज़्यादा पार्सल थे, 6-7 पैसे थे तो उधर ही छोड़ूंगा उसको मैं। देखो यहाँ पे भी देना है लेकिन यहाँ का पार्सल नहीं, उधर का ही है, वहाँ पे छोड़ूंगा। चलो वहाँ पे चलते हैं, बैठते हैं बाद में लेते हैं वहाँ पे। भाई क्या बोलूँ भाई, मतलब क्या यार क्या पार्सल लेना है तो ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि ये मतलब कस्टमर फ़ोन नहीं उठाते तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अपने को लगता है जितना जल्दी हो सके इतना घर जा पाएंगे लेकिन कैसे पूरा शाम हो जाता है क्योंकि कस्टमर फ़ोन नहीं उठाते। कोई तो बहुत टाइम पास करता है, इसके लिए हो ही जाता है। अपने को लगता है 1-2 घंटे में हो जाता है लेकिन नहीं होता है। अभी एक और कस्टमर है, वो शायद फ़ोन कट कराए या तो कंपनी का नंबर देख के ब्लॉक कर दिया उसको। देखो फ़ोन आ गया वापस से। हेलो क्या बोला? यार बहुत टाइम लगा है उधर ही, 20 से आधा घंटा तक चला गया उधर ही। यहाँ चेक करता हूँ पार्सल होंगे तो शायद बहुत ज़्यादा रखे थे, इसलिए मैडम बोल रही थी कि पार्सल ही नहीं मिला उनको। भाई अभी यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ अच्छा सा। जाते वक्त अभी दूसरी साइड पे चलते हैं जो है इंटन बॉस करते हैं।
है अभी यहाँ पे चल रहा है। चलो भाई ऊपर चलेंगे, चलो 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 रूम नंबर 8 पे देना है। चलो यहाँ पे भगवान कर लेता हूँ तो कुछ बोलेंगे। चलो भाई नीचे देना है शायद, और मैं आ गया हूँ ऊपर। चलो नीचे क्या हुआ कि टाइम इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ जाना जहाँ मतलब यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, इसलिए टाइम हो जाता है। एक पार्सल इधर दो, एक पार्सल इधर, एक साथ भी हो सकता है, लेकिन कैसे कस्टमर वो इंतज़ार के था तब तक दूसरा भी दे सकता है पार्सल, इसके लिए इधर उधर भागना भी पड़ता है। और जितना फटाफट हो सके उतना अच्छा है, इसके लिए जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं होता यार इतना जल्दी। अभी आज यार संडे है ना, तो कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे। देखो तो पूरा भीड़ रहता है, देखो पूरा भीड़ रहता है। वो इमरजेंसी क्वार्टर है, यानी कि कोई भी इमरजेंसी का पेशेंट होगा ना वहाँ पे लेके चलते हैं। और ये सर्कल है तो ओपीडी के वहाँ वहाँ चलते हैं, और रिसेप्शन है कुछ ऐसा कुछ वहाँ भी है। और ये इलाका सा बोल सकते हैं ये वाला, ये जो सामने, तो इधर खाना खाने के लिए कैंटीन है बहुत बड़ा। पर मैं जो भी खड़ा हूँ ना ये सर्कल पे वहाँ पे, और ऑफिसर क्वार्टर 3 पे, देखो ऑफिसर क्वार्टर 3 है ऊपर। और नीचे जो गया था मैं ना, वो है इंटर्न बॉयज हॉस्टल और बहुत कुछ। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और जल्दी घर भी जाना है। चलो भाई चलो लेना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे हेलमेट लगाने के लिए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है आपको। इस बार कर रहा हूँ मतलब इतने दिन काम किया ना, तब नहीं मैंने इसे किया था, तो आज हाथ में पकड़ के कैमरा लेके घूम रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी, चलो अभी आ गया हूँ यहाँ पर। इस रास्ते से मुझे जाना है अम्बोली, अम्बोली जाऊंगा भाई।
ये मेरे को एक आदमी का मतलब एक कस्टमर का पिकअप लेना था, वो वापस किया मैंने, तो वो एक लेना था वो ले लिया। अभी यहाँ से सीधे मैं जा रहा हूँ घर, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया, भूख भी लगी है, चलो चलते हैं।